फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फाइनल अकाउंट्स की। आप लोगों को मैं पता है कि इस तरीके का प्रेजेंटेशन मैं इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये था कि अरे सर, हमें सम मतलब कैसे प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको ये बताया है कैसे करना है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाना है और बैलेंस शीट एक अलग से पेज पर बनाना है, जिसके अंदर कुछ कॉमन आइटम्स होंगे जिसको हमको पहले से लिख लेना है। कौन कौन से है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, क्रेडिट साइड में ओल्ड आरडीडी। बैलेंस शीट की तरफ आप जाओगे तो कैपिटल ड्रॉइंग देखने के लिए मिलेगा और असेट साइड में डेटर माइनस बैड डेट्स माइनस न्यू आरडीडी। यहाँ पे देखो प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, यहाँ पे माइनस बैड डेट्स माइनस न्यू आरडीडी, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो हर सम में देखने के लिए आपको मिलने ही वाले हैं। अब हम लोग बाकी के सम्स को देखते हैं क्या की चीज दिया गया है। देखो सबसे पहले लूज टूल्स, तो लूज टूल्स हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? बैलेंस शीट असेट साइड। कहाँ पर? बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर एंड फिक्स्चर, बैलेंस शीट असेट साइड। बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट असेट साइड। स्टॉक, अब यहाँ पर देखो आपको जो स्टॉक दिया है वो 31 मार्च का दिया है। किसका दिया है? 31 मार्च का दिया है। अगर मुझे 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा चला जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा चला जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। डेबिट अमाउंट दिया है ना, इसीलिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है बेटा, यहाँ पे देखो 31 मार्च 2019 दिया है और यहाँ पर दिया है 31 मार्च 2018, इसका मतलब ये 18 दिया है तो हमें इसका ओपनिंग देखना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली इसका ओपनिंग क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2018। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, ठीक है। मानो अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपने को कोई स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो डेट दिया है वो डेट और ट्रायल बैलेंस का डेट दोनों सेम है। क्या कहा मैंने? स्टॉक के साथ दिया गया डेट और ट्रायल बैलेंस के साथ का डेट दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब ये जो स्टॉक दिया वो क्लोजिंग स्टॉक है। बट ये देखो ये दोनों डेट क्या है? डिफरेंट है। ये क्लोजिंग डेट है तो ये ओपनिंग डेट है, तो ओपनिंग डेट क्या है? 1 अप्रैल 2018। तो ये जो स्टॉक हो जाएगा वो ओपनिंग स्टॉक, इसका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा। उसके साथ परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। सेल्स कैश में भी है, सेल्स क्रेडिट में भी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। रिटर्न, अब देखो रिटर्न दो दिया है तो जो डेबिट में दिया वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा और जो क्रेडिट में दिया वो आपका परचेस रिटर्न मान लिया जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी 18,000, बट यहाँ पर बोला 2/3 फॉर फैक्ट्री, तो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट्री में भी जा रहा है। सर अगर 2/3 फैक्ट्री में जा रहा है तो बचा क्या 1/3, तो कैसे सॉल्व करा जाए? देखो क्या बोलता है, देखो मेरे पास सैलरी कितने का है? तो सर आपके पास सैलरी है 18,000 का, तो 18,000 सैलरी, यस, जिसमें से 2/3 मेरा फैक्ट्री के लिए जाएगा, तो इसका मतलब बचा क्या 1/3, तो ये हो जाएगा ऑफिस, ठीक है। 2/3 मतलब कितना? 18,000 इंटू 2/3 और 18,000 इंटू 1/3, तीन में से दो हिस्सा फैक्ट्री में, तो तीन में से एक हिस्सा कहाँ जाएगा? ऑफिस में। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे 12,000 आएगा, 3 1 3 6, तो 6 2 12, और यहाँ पर 3 6, तो यहाँ पर 6,000। सर फैक्ट्री वाला आइटम कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और सैलरी वाला ये जो ऑफिस वाला आइटम है वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अंडरस्टूड। यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर दिया है क्योंकि स्टार मार्क करने का मतलब है सैलरी को हम दो जगह पर लिखेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में भी जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में भी जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा फैक्ट्री सैलरी और ये हो जाएगा ऑफिस सैलरी, अंडरस्टूड, यस सर। उसके बाद रेंट दिया है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया फॉर 11 मंथ्स। ध्यान दो, हम यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर रहे ताकि आपको दिक्कत ना आए,
रेंट मुझे दिया है 2200 रुपया। अच्छा ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया पेड फॉर 11 मंथ, सेव हमने 11 महीने का भरा है ना, तो कितने महीने का है 11, तो डिवाइडेड बाय 11 करता हूँ तो सर एक महीने का कितना आ गया 200 रुपया आ गया। यस 2200 रुपया डिवाइडेड बाय 11 महीने का दिया है तो डिवाइड किया तो 200 रुपया पर मंथ आ गया। यस सर 200 रुपया पर मंथ। अब मुझे बताओ एक फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने होते हैं? सर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। जिस तो हमारे को हमने कितने महीने का रेंट भर दिया है सर? 11 महीने का रेंट भर दिया है, तो कितने महीने का रेंट अभी तक बाकी है? तो बाकी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब 1 मंथ का रेंट, 1 मंथ मतलब 200 रुपया रेंट मेरा क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है मेरा? आउटस्टैंडिंग। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हो? सर प्लस करेंगे, तो रेंट में 200 रुपये क्या जाएगा? प्लस। सर सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालोगे? सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है। ये जितने भी एडजस्टमेंट हो गए ना, इसको हम लोग हिडन एडजस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिडन एडजस्टमेंट। सेकेंड प्रॉफिट और लॉस डेबिट में एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर? मशीनरी ब्रैकेट में दिया इंक्लूड 24,000 परचेज ऑन 1st अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मैंने 24,000 का खरीदा। अब मैं इसको स्टार मार्क क्यों कर रहा पता है? क्योंकि आगे कहीं ना कहीं हमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखो मशीनरी कितना। मशीनरी सर, मशीनरी है 84,000 का। क्लियर? देखो यहाँ पर दिया है, बट इसमें क्या बोलता है, 24,000 जो है ना वो 1 अक्टूबर का है। कौन से अक्टूबर का है? 1 अक्टूबर का। कितना है? 24,000। तो इसका मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं क्या, 1 अक्टूबर को हमने, 1 अक्टूबर 2018 को उसने 24,000 का मशीनरी खरीदा। हाँ, तो इसका मतलब इसके पहले कितना था? तो सर ओपनिंग बैलेंस के तौर पर देखोगे तो 60,000 का मशीनरी मेरे पास पहले था। मेरे घर पे, मेरे फैक्ट्री के अंदर 60,000 का मशीन ऑलरेडी था और 1 अक्टूबर का मैंने 24,000 का मशीनरी फिर से खरीदा। तो इसका मतलब क्या होगा, 24 टोटल 84 हो गया। 60 और 24,000। अंडरस्टूड? यस सर। उसके अलावा कैपिटल देखो यहाँ पर दिया कैपिटल। अच्छा इसको हम लोगों ने सेग्रीगेट करके रखा ताकि अगर फ्यूचर में डेप्रिसिएशन वाला पार्ट दिया जाएगा ना, तो अब हम डेप्रिसिएशन इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाएगा। आरडीडी देखो अमाउंट क्रेडिट में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। सेंट्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। ड्रॉइंग कैपिटल पे से क्या करेंगे बेटा? माइनस। इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। डिविडेंड भी क्रेडिट में दिया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। बैंक बैलेंस डेबिट में, बैलेंस शीट असेट साइड। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। 9% बैंक लोन पहले से स्टार मार्क कर देता हूँ। रीजन क्या है सर? एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट? हिडन एडजस्टमेंट लाइबिलिटी में। अच्छा क्या करना है सर इसको? इसका हमको इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालना है जरा देखते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहला कितना अमाउंट दिया मेरे को बताओ, कितना अमाउंट दिया जरा देखो मेरे को। सर यहाँ पर अमाउंट दिया है 40,000। तो देखो फोर्थ 9% बैंक लोन, हाउ मच? 40,000। यस सर। इंटू 9%। सर 9% क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा कभी भी लोन लोगे तो उसके ऊपर आपको क्या देना है? ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। और यहाँ पर देखो डेट दिया 30th सितंबर। तो सितंबर के बाद कितने महीने आएंगे? देखो सितंबर लास्ट दिन है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाउ मच? 6 मंथ्स। यहाँ पर लिखूंगा 6/12। तो देखो 0000 कैंसल, 3 2 3 2 6, 3 4 2 1 2 2। ठीक है, फिर 2 × 2 तो 2000 आ गया, फिर 2 × 9 तो 200 × 2 तो 1800 रुपीज। हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया हमारा? इंटरेस्ट। कितना रुपया इंटरेस्ट? सर 1800 रुपया इंटरेस्ट हो गया। फिर से बोल रहा बेटा ध्यान दो, 9% बैंक लोन, 40,000 अमाउंट है, 9% रेट दिया है और डेट दिया सितंबर का। तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना मंथ्स? टोटल हो गया मेरा 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं है, तो 1800 रुपये इंटरेस्ट है। तो सर ये बैंक लोन के इंटरेस्ट को करना क्या है? सीधी सी बात है, इंटरेस्ट हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
एड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सिंपल, यस सर। कैरीज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डिस्काउंट डेबिट में दिया इसलिए डेबिट में डालूंगा, ठीक है। सारे आइटम्स हो गए, पोस्टिंग हो गई, पोस्टिंग हो जाएगी आपके, यस। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आएंगे, दो। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। राइट ऑफ 2000 एट बैड डेट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो सर 2000 रुपया बैड डेट्स के तौर पर लेना है और 5% आरडीडी यानी डाउटफुल डेट्स के तौर पर लेना है। तो क्या करते हैं हम लोग बैड डेट्स और आरडीडी, सर ये नीचे दिया है तो इसका था ये न्यू बैड डेट्स है और ये न्यू आरडीडी है, तो करेंगे क्या सर, वही करेंगे जो आपने बताया था, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस, न्यू बैड आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी माइनस, डेटर से माइनस करेंगे बैड डेट्स में प्लस करेंगे, ठीक है सर। इसको मैं बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग कर लोगे। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% एंड लूज टूल्स इज 1 लाख, तो देखो मशीनरी कितना बोला, यस सर आपने बताया था डेप्रिशिएशन आ सकता है, कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है, तो बेटा यहाँ पर देखो 10% निकालना है, यस बेटा। कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 10% सर इसके ऊपर 10% निकालो, इसके ऊपर भी 10% निकालेंगे, यस। सर ओपनिंग बोला है तो 12 महीने के लिए निकलेगा, बट ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए निकलेगा, डिड यू अंडरस्टैंड। ये ओपनिंग बैलेंस मतलब अप्रैल से लेके मार्च, मतलब टोटल 12 महीना हो गया, बट ये कितने महीने के लिए आएगा, 6 मंथ्स। 6000 का 10% मतलब 6000 रुपये यहाँ पर आएगा, 60000 का 10% मतलब 6000, 12 महीने के लिए। 24000 का 10% मतलब 2400, आधा करो 1200, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 7200, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 7200। डिफिकल्टी देखो डायरेक्टली आ गया। लूज टूल्स की वैल्यू देखो कितनी बोली है, लूज टूल सबसे पहला आइटम है, उसके ऊपर भी मैंने स्टार मार्क कर दिया क्योंकि उसका वैल्यू 1 लाख कर दिया। बेटा यहाँ पे है कितना, 1,10,000, अब वैल्यू कितना बोल दिया, 1 लाख, तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर टिक मार्क कर लो, यस सर टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर भी टिक मार्क हो गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग सम क्या करेंगे, शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पोस्टिंग। देखो पहला आइटम आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहला आइटम आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहला आइटम यहां पर दिया लूज टूल्स, तो लूज टूल्स कहां आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहां पे लिखेंगे लूज टूल्स, ठीक है। हाउ मच, 1,10,000 सर, अंदर क्यों लिखा सर, क्योंकि एडजस्टमेंट है बेटा। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर 81,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट, यहां पे देखो कोई भी टिक मार्क है क्या, नहीं है सर, तो इसलिए मैं उसको आउटर में लिखूंगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, 81,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट बोलता है बैड डेट्स, वहां बैड डेट्स कितना है, 1,400, कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, 1,400, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर 81,600, तो सन्ड्री डेटर 81,600। नेक्स्ट स्टॉक, ये उस स्टॉक को क्या बोला था मैंने, ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच, 52,000, तो ओपनिंग स्टॉक 52,000, यस यस सर। नेक्स्ट बोले बेटा परचेसेस 77,000, तो परचेसेस 77,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेल्स में कैश भी बोला है, सेल्स में क्रेडिट, तो क्या मैं ये दोनों आइटम्स को प्लस कर सकता हूँ, यस सर, आप चाहो तो आप उसको सेपरेट दिखा सकते हो, कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखता हूं मैं कैश और क्रेडिट, तो आपको समझ में आएगा। तो देखो बेटा कैश कितना बोलता है, कैश 21,000, क्रेडिट 81,000, तो 21,000 प्लस 81,000 टोटल हो गया कितना, 1,02,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा रिटर्न की तरफ आते बेटा, 400 और 600 बोला है, तो जो डेबिट में दिया है वो मेरा कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में दिया वो मेरा क्या है, परचेस रिटर्न, तो 400 और 600 रिस्पेक्टिवली माइनस कर दो, तो अगर मैं इसमें से माइनस करता तो 76,400 बचेगा, यस, और अगर मैं 400 इसमें से माइनस करता तो 1,01,600 हमारा बचेगा, कोई दिक्कत है इसमें सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। उसके अलावा क्या दिया है,
इसके अलावा दिया एडवर्टाइजमेंट 4800, कोई टिक मार्क दिख रहा है क्या सर? नहीं, तो 4800 हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहां पर लिखता हूं मैं टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हाउ मच 4800, कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट बोला क्या बोलता है, रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 6000, ठीक है, रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हाउ मच 6000, कोई दिक्कत नहीं सर, आपने डिस्कस किया था उसी हिसाब से कर रहा हूं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1200, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हाउ मच 1200, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट सैलरी, सर क्या आपने सैलरी के ऊपर कुछ किया था क्या? यस बेटा, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। सैलरी के ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि सैलरी जो 18000 है, अब उस 18000 के अंदर क्या क्या चीजें बोली थी कि 2/3 फॉर फैक्ट्री, तो सर 2/3 फैक्ट्री के लिए क्या, तो आपका आंसर 12000 आया था, और 1/3 हमने किसके लिए क्या था, ऑफिस के लिए 6000, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। इसका मतलब सर सैलरी दो जगह पर लिखना है, यस, एक लिखेंगे हम फैक्ट्री सैलरी, ठीक है, और एक हम लोग लिखेंगे ऑफिस सैलरी, कोई दिक्कत नहीं सर। फैक्ट्री सैलरी में आप 12000 लिख दीजिए और ऑफिस सैलरी में आप 6000 रुपया लिख दीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने आपको यहां पर सिखाया है, उसको एज इट इज। सर ये आपने अलग सॉल्व किया तो उसको कुछ इस पे मार्क्स मिलता है क्या? यस बेटा मिलता है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्किंग नोट। जो चीज आपको लगता है कि मुझे सॉल्व करके दिखाना चाहिए, आप उसको वर्किंग नोट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रेंट 11 मंथ्स का 2200, तो हमने रेंट का किया है, क्या डिस्कस किया था, रेंट 2200 है फॉर 11 मंथ्स 200, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर रेंट, रेंट हाउ मच 2200, एंड एज वी डिस्कस वो एक महीने का रेंट हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हाउ मच 200, तो टोटल होगा 2400 रुपया, और ये जो आउटस्टैंडिंग है डेबिट में मैंने क्या किया है, प्लस, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो वहां पर मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या लिखूंगा बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट हाउ मच सर, 200 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट बोला क्या बोलता है, मशीनरी इंक्लूड 24000, परचेज ऑन 84000, तो देखो 80, ये क्लासिफिकेशन मैंने किया है, ये क्लासिफिकेशन को कहां पर काम आएगा सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के टाइम पर। फिलहाल फिलहाल अपन मशीनरी लिखते हैं सीधा डायरेक्टली, मशीनरी कितना 84000, जब वो डेप्रिसिएशन बोलेगा ना तो हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, दैट इज 3,60,000, तो कैपिटल हम लोग कहां लिखेंगे, लायबिलिटी में 3,60,000, यस यस सर। उसके बाद देखो आरडीडी बोला है, आरडीडी कितना बोला है, 8000, तो यहां पे आरडीडी लिखेंगे 8000, कोई दिक्कत नहीं सर। सेंड्री क्रेडिटर 70000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए उसको आउटर कॉलम में लिखोगे सेंड्री क्रेडिटर्स हाउ मच सर, सिंडिकेटर टोटल 70000, देर इज नो एडजस्टमेंट। उसके बाद ड्रॉइंग 14000, तो हम लोग 14000 माइनस कर दो, यस yes. तो 3,60,000 में से अगर 14000 में माइनस करता हूं तो कैन वी से 3,46,000, यस सर आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया है, डिविडेंड भी क्रेडिट, सर क्रेडिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखता हूं मैं बाय इंटरेस्ट और बाय डिविडेंड, दोनों चीजें हमारी क्या जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सर इंटरेस्ट कितना 1200 और डिविडेंड कितना 2800, सिंपल, यस सर। फिर बोला है बैंक बैलेंस 40000, तो सर हम लोग ने कंपलसरी आइटम्स में लिखा हुआ है, यस, तो कैश एट बैंक कितना आएगा बेटा 40000, सर डायरेक्टली दिया इसलिए आउटर कॉलम में चला जाएगा, यस। रॉयल्टी 6000 कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो रॉयल्टी लिखो टू रॉयल्टी, ठीक है। कितना अमाउंट बोला है रॉयल्टी का, सर टोटल अमाउंट बोला है रॉयल्टी 6000 रुपीज, ओके सर कोई दिक्कत नहीं।
9% बैंक लोन 40,000, तो सर 9% बैंक लोन आप लिखोगे, यस ठीक है, कितना अमाउंट बोला है 40,000, और सर मुझे जितना तक याद है आपने बैंक लोन पर एडजस्टमेंट किया हुआ है, यस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलता है, इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया 1800 रुपया, तो सीधा सीधा क्या करो, ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हाउ मच, 1800, इफ यू ऐड 1800 तो 41,800 हो जाएगा, और लाइबिलिटी में ये इंटरेस्ट आपको देना है कि लेना है, सर ये इंटरेस्ट हमें देना है, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट ऑन लॉस के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हाउ मच, 1800, डिफिकल्टी नहीं सर, ठीक है, अब तक तीन एडजस्टमेंट किया है, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले रेंट का किया, ठीक है, सैलरी का किया, रेंट का किया, बैंक लोन भी हिडन एडजस्टमेंट आ गया, क्लियर, यस सर, कैरीज आउटवर्ड 4,000, तो कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट ऑन लॉस डेबिट साइड टू, कैरीज आउटवर्ड हाउ मच 4,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस आउटर कॉलम में, डिस्काउंट 1,000, डेबिट में बोला इसलिए डिस्काउंट 1,000, सर क्रेडिट में होता तो क्रेडिट में डालते हैं, डेबिट में इसलिए कहां डालेंगे, डेबिट साइड, नाउ कम टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट, सर एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच, 1,00,000 रुपीज, तो सर क्लोजिंग स्टॉक हमने कंपलसरी आइटम में दो जगह पर लिख के रखा है, यस, कहां कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 1,00,000 रुपीज और बैलेंस शीट के असेट साइड दैट इज 1,00,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का, यस, नेक्स्ट बोलो, राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स एंड क्रिएट आरडीडीआर 5%, तो बैड डेट्स के तौर पर 2000 रुपया बोला है, यस, तो 81 में से 2 गया तो 79,600 बचेगा, यस, और आरडीडी हमें कितना बोलता है, एट द रेट ऑफ 5%, तो क्या मैं 79,600 का 5% निकाल सकता हूं, यस, 0000 कैंसिल, यस, अब मल्टीप्लाइड कर दो, 5 6 30 कैरी 3, 5 9 45, 45 + 3 48 कैरी 4, 5 7 35 + 4 39, 3 9 80 माइनस करो, 0 0, 10 में 8 गया 2, यस, 15 में 9 गया 6, 8 में 3 गया 5 और 7, तो 75,620, ठीक है सर, अगर यहां पर माइनस माइनस किया है तो यहां पर क्या करोगे, प्लस, तो 2000 भी प्लस होगा और 3980 भी प्लस हो जाएगा, तो इफ यू ऐड तो टोटल आपको कितना आएगा, 13 कैरी 1 2247, तो 7380 आपका टोटल आ जाएगा बैड डेट्स का, अंडरस्टूड, पहले डेटर में से बैड डेट्स माइनस किया, माइनस करने के बाद आपको क्या बचेगा, जो अमाउंट है उसके ऊपर आप आरडीडी निकालोगे, सर यहां पर अगर आपने माइनस किया तो बैड डेट्स में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सिंपल, यस सर, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% एंड ब्लू स्टूल्स 1,00,000 रुपीज, मशीनरी का 10%, तो सर इसके ऊपर हमने डिटेल में एडजस्टमेंट करके रखा हुआ है और हमने डेप्रिशिएशन निकाला 7,200, तो डायरेक्टली डेप्रिशिएशन लिखू क्या, यस yes, लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लेस डेप्रिसिएशन 7,200, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है, माइनस करते तो 800 बचा, 13 में 7 गया 6, 76 बचेगा, ठीक है, 76,800, सर इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट ऑन लॉस के डेबिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं, लूज टूल्स का 1,00,000 रुपीज बोला है, तो लूज टूल्स 1,00,000 लिख दिया, तो सर इसका मतलब 10,000 रुपया ये भी डेप्रिसिएशन हो गया, यस, तो यहाँ पर लिखो लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, अब डायरेक्टली डेप्रिसिएशन डाल दो कहां पर, प्रॉफिट ऑन लॉस के डेबिट साइड में, क्या लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन, किस किस के ऊपर, पहला क्या बोलता है, लूज टूल्स हाउ मच, देखो यहां पर 10,000 मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, और मशीनरी के ऊपर 7,200, तो इफ यू टेक द टोटल 17,200 हो जाएगा, क्लियर, यस सर, नेक्स्ट बोल दो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% बोला है, तो ऐड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच, 2%, सर 3,60,000 है, उसका 2%, मतलब 2,20 कैंसिल, यस, तो कैन यू ऐड 7,200, तो ऐड करने के बाद इधर 200 आ गया, 7 + 6 13,
कैरी वन 35, 3,53,000। ठीक है, अब ऐड करने का सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सर आपको कैसे मालूम? बेटा मैंने ऑलरेडी आपको पूरा एडजस्टमेंट डिस्कस किया हुआ है, और जहां पर लगता है कि आपको डिफिकल्टी है वहां पर आप ये डेबिट क्रेडिट का फंडा याद कर लो। क्या कि अगर लायबिलिटी में मैंने प्लस किया तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेबिट साइड। असेट में मैंने माइनस किया तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेबिट साइड। क्रेडिट में मैंने प्लस किया तो सेकंड इफेक्ट कहां आएगा, असेट साइड। तो ये फंडे को अगर आप याद कर लोगे ना, इसको हम लोग लाइफ लाइन बोलता हूं मैं। ठीक है, कौन सी लाइफ लाइन? आशीष सर लाइफ लाइन। तो आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, ये आपको मेजोरिटी एडजस्टमेंट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतना पार्ट पे कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? आई थिंक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टैली करने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के जितने भी आउटर कॉलम के अमाउंट है उसका टोटल कीजिए और क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। तो मैंने यहाँ पर करके रखा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। डेबिट साइड का टोटल है 1,46,400 और क्रेडिट साइड का टोटल है 2,01,600। तो आप देखोगे आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो आपका जो टोटल बड़ा होता है ना उसको दोनों साइड लिखो। इसका मतलब 2,01,600 आपको डेबिट में भी लिखना है, 2,01,600 आपको डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में लिखना है। अब कमी कहां पर है सर? कमी है डेबिट साइड में, तो इस कमी को हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। वो भी कौन सा? कैरिड डाउन। सर कितना कमी है? तो देखिए माइनस कर दिया मैंने, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस कर, तो 55,200 हमारा बचेगा। तो ये होगा 55,200 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में, तो सेकंड इफेक्ट क्रॉस में जाएगा, दैट इज क्रेडिट साइड। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,200। यस सर। अब मुझे क्या करना है, टोटल करना है डेबिट साइड का भी, टोटल करना है क्रेडिट साइड का भी, कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का टोटल कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का टोटल कितना है। तो यहां पर देखो मैंने टोटल किया है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का टोटल है 58,980 और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का टोटल है 67,200। तो सर क्रेडिट बड़ा है, यस, तो 67,200 दोनों साइड आ जाएगा। यस बेटा 67,200 यहां पर भी आ जाएगा और 67,200 आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर, दोनों साइड मैंने लिख दिया, दोनों साइड लिखने के बाद इसका मतलब सर बैलेंसिंग फिगर आपको डेबिट में मिल रहा है, यस। तो यहाँ पर मैं लिखना पसंद करूँगा नेट प्रॉफिट सीडी, सीडी मतलब कैरिड डाउन। सर कितना लिखेंगे आप कैरिड डाउन में? तो सर 67,200 जो छोटा है उसको माइनस कर दो, तो माइनस करके मिलेगा 8,220,8,220। ठीक है, अच्छा ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है? प्लस। तो यहां पर आपको कैपिटल में करना है प्लस, तो ऐड कैपिटल में आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को करोगे ऐड, ऐड नेट प्रॉफिट हाउ मच 8,220। इफ यू ऐड तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 3,53,200। ठीक है, 3,53,200 प्लस, प्लस करना है कितना, 8,220। तो सर आपको आंसर मिलेगा 3,61,420। ठीक है, अब आपको लायबिलिटी में जितना भी अमाउंट है ना उसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर आप प्लस करने करते हो तो देखो इसको ऐड किया तो 200, तो 361,620 हो गया, यस। और यहाँ पर 70 + 41 तो 7,4,11 1,11,800। तो सर इसका आपको टोटल तकरीबन मिलेगा 473,420। तो यहां पर मैं लिखता हूं 473,420। यस सर, यस। नाउ असेट साइड को टोटल करते हैं। चलो यहां पर कितना दिया है, 1,00,000 + 81,181। तो सर 181 को आप साइड में लिख लीजिए, यस। अब 76 + 75 तो सर 75 × 75 1,50,000 होता है, यस। 1,50,000 1,51,800 आप साइड में लिख लो, प्लस 620 अलग से लिख लो। ठीक है, 1,00,000 + 40 तो सर यहां पर हो जाएगा 1,40,000 आपका। तो सर अगर आप ये सबको ऐड करोगे ना तो आपका टोटल यही आने वाला है, दैट इज 4,73,420। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से करोगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कतें आने वाली नहीं है।
आप चाहो तो आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले सम सॉल्विंग और प्रैक्टिस करने के टाइम पर। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे क्योंकि मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से फाइनल अकाउंट को प्रेजेंट करना है। और जब आप फाइनल अकाउंट दो पेज में करते हो तो आपको ज्यादा पन्ना पलटने की जरूरत नहीं होती है। मुझे जितना टाइम लग रहा है उससे कुछ टाइम आपको कम लगेगा क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करके कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।